अब रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिवजी का महाभक्त था और स्वयं शिवजी ने उसे कई शक्तियां प्रदान की थी। श्रवण नयन जम्वा मानसं वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमिदक्षवस् जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। रावण के सभी प्रमुख योद्धा मारे गए, अब वो स्वयं युद्ध करने गए हैं। शायद ये युद्ध का अंतिम चरण होगा। प्रभु सावधान, रावण राक्षसों की विशाल सेना लेकर आ रहा है। अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। प्रभु सावधान, रावण आ रहा है। नारायण नारायण। तो क्या समाचार है राम रावण युद्ध का? रावण मायावी रथ से युद्ध कर रहा है। और श्री राम? श्री राम, उनके पास तो कोई रथ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए अपना दिव्य शक्तिशाली रथ भेज सकते हैं। हाँ, रावण ने अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। वर्षों की तपस्या से मिले वरदान और मायावी शक्तियों के बल पर रावण विजय का डंका सुनने को तैयार था, पर अचानक वो देखिए प्रभु, इंद्रदेव ने अपनी शुभकामनाएं और अपनी दैवी शक्तियों वाले इस रथ को भेजा है। इस पर सवार होने की कृपा कीजिए प्रभु। मैं इंद्रदेव के उपकार कभी नहीं भूलूंगा। No!
अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। रावण की नाभि में अमृत कलश है, उसे निशाना बनाइए। हनुमान, तुम शिव का रूप हो, मैं तुम्हें क्यों ना पहचान सका। श्री राम, आप विष्णु के अवतार हो, मुझे क्षमा करना। राम की जय हो।